नमस्कार साथियों, फेबुलस एकेडमी कुचामन सिटी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक दिन लेट चल रहे हैं, 16 जनवरी का जो करंट अफेयर्स है उसको देखेंगे। 16 जनवरी के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारत के मौसम विभाग का गठन किस वर्ष किया गया, यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसका गठन किस साल किया गया। इसका राइट आंसर है 1875। अगर भारतीय इतिहास में 1875 की बात करें तो इस समय जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के काल में ही 1872 के अंदर भारत की प्रथम जनगणना है उसकी शुरुआत हुई थी, और 1875 के अंदर ही इन्होंने अजमेर के अंदर एक कॉलेज की स्थापना की थी जिसका नाम था मेयो कॉलेज। तो 1875 की जो मौसम विभाग का गठन है वो भी इन्होंने ही किया था। 1875 से लेके 1944 तक इसका जो मुख्यालय था, हेडक्वार्टर था, वो कोलकाता था, लेकिन 1875 से 44 के बाद में 1944 में इसका मुख्यालय नई दिल्ली कर दिया गया, और वर्तमान में IMD का मुख्यालय नई दिल्ली है और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसकी फुल फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि 2020 के गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार महिला परेड नेतृत्व कौन करेगी। इसका नाम होगा तान्या शेरगिल। तान्या शेरगिल इंडियन आर्मी से बिलोंग करती है, और ये जो रिपब्लिक डे के अंदर जो परेड होगी उस परेड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला होगी। आपको बता दें कि 26 जनवरी को भारत में एक परंपरा है कि एक विदेशी मेहमान आते हैं हर एक साल किसी न किसी दूसरे देश के, तो इस साल जो हमारे रिपब्लिक डे के ऊपर विदेशी मेहमान आ रहे हैं वो ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, और ब्राजील के वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है जायर बोल्सोनारो। तो अब की बार बोल्सोनारो भारत के जो रिपब्लिक डे है उसके मेहमान भी होंगे, और पहली महिला जो रिपब्लिक डे परेड का नेतृत्व करेगी वो है तान्या शेरगिल। पंजाब से बिलोंग करती है, ये एक आर्मी परिवार से ही है ये। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि जनवरी 2020 में एक प्रसिद्ध मेला परशुराम कुंड मेला किस राज्य में शुरू हुआ। देखो नाम से ऐसा चल रहा दिख रहा है कि ये किसी उत्तरी भारत के राज्य में होगा, लेकिन परशुराम कुंड मेला ये अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुआ। अरुणाचल प्रदेश में एक नदी है जिसका नाम है लोहित नदी, उस लोहित नदी के किनारे 13 जनवरी को ये मेला स्टार्ट हुआ, और ये मकर संक्रांति से एक दिन पहले हर एक साल शुरू होता है, जहाँ पे भगवान शिव को मानने वाले बहुत सारे भक्तजन हैं वो इस मेले में शरीक होते हैं। यहाँ अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है तो ये पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है, और इसकी कैपिटल ईटानगर है, ये आपको याद रखना है। उड़ीसा की भुवनेश्वर है, हिमाचल प्रदेश की शिमला है, शिमला के अंदर ही राष्ट्रीय आलू संस्थान है ये भी याद रखना है, आलू अनुसंधान शोध संस्थान है वो कुफरी शिमला के अंदर ही है, और पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, और यहीं पे एक हिल स्टेशन है जिसका नाम है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग जो रेलवे है उसको यूनेस्को की विश्व हेरिटेज सूची के अंदर भी शामिल किया गया। फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह अरियन 5 द्वारा G-SAT-30 के साथ लॉन्च किया गया, यानी कि भारत का जो G-SAT-30 है वो कल हमने डिस्कस किया था फ्रेंच गुयाना जो एक लॉन्चिंग पैड है कोरू, उस कोरू से छोड़ा गया था, उसी के साथ में अफ्रीका और यूरोप के अंदर दूर संचार के लिए कनेक्ट नाम का एक उपग्रह और छोड़ा गया, ये यूरोप के अंदर और जो अफ्रीका का उत्तरी भाग है उसके लिए ये कार्य करेगा। तो ये कनेक्ट भी आपको याद रखना, G-SAT-30 को एरियन 5 के साथ छोड़ा गया है। फिफ्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किसने शंघाई को ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO के 8 वंडर्स ऑफ SCO लिस्ट में भारत से जगह बनाई, यानी भारत से SCO के द्वारा जारी की गई 8 जो स्थानों की सूची है उस सूची में कौन सा स्थान शामिल किया गया, और इसका राइट आंसर है स्टेचू ऑफ यूनिटी। आपको बता दें दोस्तों स्टेचू ऑफ यूनिटी गुजरात के अंदर है, गुजरात के अंदर एक जिला है जिसका नाम है नर्मदा जिला, उस नर्मदा जिला के अंदर एक जगह है जिसका नाम है केवड़िया, और उस केवड़िया नामक स्थान के ऊपर 182 मीटर सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक मूर्ति है जिसको ही ये एकता की मूर्ति एकता की मूर्ति या फिर स्टेचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है, जो भारत की सबसे ऊंची स्टेचू है उसको SCO के 8 वंडर्स के अंदर शामिल किया गया है। भारत की तरफ से एकमात्र ये जगह है जिसको SCO ने अपनी लिस्ट में शामिल किया है।
यहाँ सिक्स क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 8 दक्षिणी एशियाई शंघाई सहयोग संगठन का हिस्सा नहीं है। हिस्सा 8 देश हैं वो आपको रखना है जो इसके सदस्य हैं, जिसमें देखो रूस है, चीन है, पाकिस्तान है, शामिल है, लेकिन सिंगापुर नहीं है। यहाँ हम ये देख लेते हैं, शंघाई पहले SCO के अंदर 6 देश हुआ करते थे, लेकिन 2017 के अंदर भारत एवं पाकिस्तान को इसके अंदर शामिल कर लिया गया। भारत एवं पाकिस्तान इसमें शामिल हुआ तो कितने हो गए, टोटल 8 देश हो गए। अब ये जो 6 देश थे उसमें एक था रूस जिसकी राजधानी है मास्को, एक था चीन जिसकी बीजिंग, एक था कजाकिस्तान जिसकी अस्ताना, एक था किर्गिस्तान जिसकी राजधानी बिश्केक, एक था तजाकिस्तान जिसकी राजधानी दुशांबे, और एक था उज्बेकिस्तान। तो उज्बेक, ये देखो 6 कंट्री तो ये हो गए और 2 ये हो गए, टोटल 8 कंट्री है वो SCO के हैं। आपको बता दें SCO का अब की बार का जो शिखर सम्मेलन है, यानी कि इसके प्रमुख राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो मिलेंगे वो नई दिल्ली में होगा, 2020 में अभी होगा, तो ये आपको याद रखना है। 2020 में शिखर सम्मेलन भी दिल्ली में होगा। 8 इसके कंट्री हैं और SCO की जो 8 लिस्ट है, वंडर्स 8 है, उसमें भारत की तरफ से स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को शामिल किया गया। 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय सेना द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इसका राइट आंसर है दोस्तों 15 जनवरी। 15 जनवरी को हर एक साल सेना दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। क्यों मनाया जाता है आगे की स्लाइड में देखेंगे हम। 25 जनवरी को भारत में हर एक साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 10 वाले क्वेश्चन है वो यहीं से तैयार हो जाएंगे आपके। 4 दिसंबर को हर एक साल नौ सेना दिवस मनाया जाता है, नेवी डे। अगर यहाँ नौसेना की बात हो रही है तो हम यहाँ अलग से वायुसेना की बात कर लेते हैं। 8 अक्टूबर को हर एक साल वायुसेना दिवस मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस है, और 16 दिसंबर को हर एक साल विजय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद करवाया था भारत ने। तो ये आज हमने एक ही स्लाइड के माध्यम से 4 दिवस कर लिए। सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, क्यों? 8वां क्वेश्चन देखो, आप इसे पता चलेगा कि स्वतंत्र भारत के पहले सेना जनरल या कमांडर इन चीफ कौन थे, और इसका राइट आंसर है जनरल के एम करियप्पा। आपको बता दें जनरल के एम करियप्पा से पहले 2 अंग्रेज अधिकारी थे जो भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ थे, लेकिन 15 जनवरी 1949 को भारत के पहले कमांडर इन चीफ बनाए गए के एम करियप्पा, और उसी उपलक्ष्य में हर एक साल 15 जनवरी को भारतीय सेना का थल सेना दिवस मनाया जाता है। 9th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि महिला उद्यमिता के लिए यशस्विनी योजना की शुरुआत किस राज्य से की गई। देखो यशस्विनी योजना महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में सस्ता ऋण उपलब्ध करवाने के लिए है, ऋण है वो सस्ता उपलब्ध हो, ये महिला है और बाल विकास मंत्रालय की एक योजना है। और अगर महिला और बाल विकास मंत्रालय की बात हो तो अभी उसकी जो मिनिस्टर है वो है स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी ने ये यशस्विनी योजना महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए हाल ही में शुरू की, और वो की है गोवा से। अगर गोवा की बात हो रही है तो इसकी राजधानी होगी पणजी, तमिलनाडु की चेन्नई है ही, और केरल की त्रिवेंद्रपुरम है। तो यशस्विनी योजना गोवा से है, स्मृति ईरानी जो महिला और बाल विकास मंत्री उसने शुरू किया। आज का करंट अफेयर्स दोस्तों इतना ही। फेबुलस एकेडमी का करंट अफेयर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम 17 जनवरी के करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।